हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आज ये प्री पोजिशन की सफलतापूर्वक 20 क्लासेस पूरी हो जाएंगी। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा ताकि आपको ये एक के बाद एक वीडियोस सिस्टमेटिकली मिलती रहें। तो कल आपका टेस्ट होना है और कल के टेस्ट की टाइमिंग रात को यानी कि शाम के टाइम लगभग 6:30 या 7 बजे रहेगी। और जितना पहली क्लास से 20 क्लासेस तक आज भी कुछ इम्पोर्टेंट मुझे बात बतानी है, मतलब कि कुछ पढ़ाना है। जैसे आज मैं चर्चा करूंगा जीरो प्रीपोजिशन की। ये जीरो प्रीपोजिशन क्या होता है अभी बताएंगे आपको। फिलहाल कल आपका टेस्ट रहेगा और जो आज पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। और मैंने आपसे वायदा किया हुआ है कि प्रीपोजिशन की वो जरूरी बातें जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। और उनको लगता है मुझे 30 क्लासेस में मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। तो 20 क्लासेस पूरी अच्छे तरीके से आपने एंजॉय किया, बहुत प्यार दिया आपने। इस दौरान जो है हमें ये फील भी हुआ कि जो हम वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ उसका आप फायदा भी उठा रहा हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपका बिना बिल्कुल समय खराब किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज जीरो प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। ये होती क्या है सब समझा रहा हूँ। पहले ये देखो आप, यू मस्ट टेक केयर, बहुत आसान चीज है, कल करवाई थी। टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड, तुम्हें अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। फिर शी कम्स, लेकिन कहाँ से? इंग्लैंड, और ये स्थान है तो क्या आएगा आंसर? फ्रॉम, वह इंग्लैंड से आती है, मीन्स वह इंग्लैंड से संबंध रखती है, इंग्लैंड की रहने वाली है। तीसरा है आई कम ब्लैंक ए मिडिल क्लास फैमिली, और जब फैमिली है तो कम्स के साथ क्या आएगा? ऑफ, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है शी कम्स और स्थान है तो क्या आएगा? फ्रॉम। फिर नीचे आते हैं, इसका मतलब हो गया वह मुरादाबाद में रहती है, मुरादाबाद से आती है, मुरादाबाद से संबंध रखती है। फिर ही डज नॉट केयर वर्ब है इस बार तो क्या आएगा? फॉर, वह मेरी परवाह नहीं करता है। दे ड्राइव, वे ड्राइव करते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आएगा 8। मैंगोज आर बीइंग सोल्ड, चूंकि आम का सीजन शुरू हो चुका है तो ये सेंटेंस मैंने अभी के माहौल पे बना दिया। आम बेचे जा रहे हैं 8 30 रुपीज़ पर किलोग्राम, और सोना बेचा जाता है 47,000 पर 10 ग्राम्स, तो इसके लिए भी क्या आएगा? 8। ये सारी बातें हम सिखा चुके हैं। अच्छा, एक बात आप खुद सोच के देखो, बोर्ड जितना बड़ा आपको दिख रहा है इस पे 5 क्वेश्चन या हद है अगर छोटा छोटा करके लिख रहा है तो 10 क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको, क्लासेस को गिन लो आप और क्वेश्चंस गिन लो, अब तक कम से कम 200 या 250 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। और उन क्वेश्चंस को सामने रख करके जब आप हमारी क्लासेस को पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो यकीन मानो प्री पोजिशन की प्रॉब्लम तो आपकी फ्री में ही सॉल्व हो गई। मतलब कोई फीस नहीं दी आपने, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फीस वगैरह दिमाग से हटाओ। ये ध्यान रखना कि इस क्लास की जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोई कीमत नहीं है। यानी कि जब इसे आप समझ लोगे, इसके आधार पे पेपर सॉल्व करते टाइम आंसर लगाओगे, तो हमारी इन क्लासेस का जो वेटेज है, मतलब जो एक असर है, वो कितना होगा वो आपको पेपर में दिख जाएगा। तो आप पढ़ते रहें, दूसरों को भी मौका दें। आज की नई क्लास हमारी ये रही बोर्ड पे, क्लास नंबर 20। कल टेस्ट होना है आपका। पहले ज़रा समझ लेते हैं जीरो प्रीपोजिशन होती क्या है। मैं अपने हिसाब से क्लास को लेता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में इन क्लासेस को पढ़ाते टाइम 3 बातें हैं। पहली बात, अक्सर कौन कौन सी प्रीपोजिशन पूछी जाती हैं, किन को पर सवाल आते हैं, एक ये बात ताकि वो छूट ना जाए। दूसरा कि प्रीपोजिशन को आसान तरीके से सिखाना है, ऐसे नहीं सिखाया कि बच्चों ने आज सीखा और एक महीने बाद जब वो रिवीजन करेंगे समझेंगे तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो, ऐसा नहीं चाहता। इसलिए बहुत आराम आराम से क्लासों को पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जब सिखाएं तो वो सीखा हुआ पेपर में कर भी तो दो आप। तो उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मेरा टारगेट इतना ही है कि जब हमारी क्लासेज आप पढ़ लो तो आपको खुद को ये रियलाइज हो जाए कि अब मैं कर सकता हूँ और आप कर सकते हो। बस 3 चीज़ों को फॉलो करना आपको। लर्निंग स्टेज जो चल रही है इस टाइम, ये वाली जब पहली बार आप कुछ सीखते हो उसे ध्यान से समझा करो, कॉन्सेंट्रेट करके। दूसरा रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहा करो बीच बीच में, चाहे स्किप करके कर लो वीडियो को, काम काम की चीज़ निकाल लो। आपको लगता है मैं कहीं भाषण दे रहा हूँ,
फालतू बातें कर रहा हूँ आपको लगता है सब, वो काट के आगे बढ़ जाया करो, काम की बात निकाले करो और प्रैक्टिस किया करो। टेस्ट जो बोर्ड पे लिखा होता है रोजाना क्वेश्चन, वो टेस्ट दिया करो। कल टेस्ट तैयार है ना, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाता हूँ, तो कोई अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो मैसेज कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे जीरो प्रीपोजिशन। इसी के आधार पे ना एक और होता है जीरो आर्टिकल, वो आर्टिकल के बारे में है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो जैसे सूरज है तो इसके साथ दाग किया, जैसे बुआए है तो इसके आगे ए आ गया, जैसे अगर इंक पॉट है दवात जो होती तो एन आ गया। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि बुआइज है, ठीक है, और यहां कोई आर्टिकल नहीं है, ना ए है ना एन है ना दा है, तो ये जो इस समय है कुछ नहीं है आर्टिकल, ये जीरो आर्टिकल है। तो जीरो आर्टिकल मींस या जीरो प्रीपोजिशन, चूंकि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल तो यहां से हटा दो आप। ये होता टॉपिक, कभी आर्टिकल पढ़ाया मैंने, उम्मीद है पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर ही मुझे आर्टिकल भी पढ़ाना है, अगर पढ़ाता हूं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जीरो प्रीपोजिशन क्या होती है सुनो। देखो बच्चों, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट या कुछ भी कॉम्प्लीमेंट बोल दो आप, तो ये प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है, ये डायरेक्ट जुड़ रहा है। यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना, बस ये जो माहौल है हमारा यहाँ, इसे बोलेंगे हम जीरो प्रीपोजिशन, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। जीरो प्रीपोजिशन मीन्स नो नीड ऑफ प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। अब ये कब कब होगा ये हम आपको समझाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी 3-4 दिन लगातार प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ाई, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में ये सारी प्रीपोजिशन आई, जैसे सिंस, जैसे फॉर, एट, इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन आपने सीखी। अब इनमें से कौन कौन सी प्रीपोजिशन जीरो प्रीपोजिशन के मूड में जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी, ये चर्चा हम करते हैं सबसे पहले इन्हीं के बारे में। और भी हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो जीरो प्रीपोजिशन मीन्स कह सकते हैं हम नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के रूप में, ये समझ लो आप, आई विल गो टू दिल्ली, मैं कहूं जैसा आपसे, मैं दिल्ली जाऊंगा और लिख दूं मैं यहां मंडे, तो क्या आ जाएगा यहां पे, ऑन। बाय मंडे भी कर सकता हूं मैं, बाय मंडे, लेकिन मैंने ऑन ही कर दिया, मंडे के दिन जाना है मुझे। अब दूसरा मीनिंग है मेरे पास में, आई विल गो टू दिल्ली और ब्लैंक नेक्स्ट मंडे। अब मंडे से पहले नेक्स्ट आ गया, बस ये जो चीज है ये यहां जीरो प्रीपोजिशन कर देगी, मतलब नो प्रीपोजिशन, कुछ नहीं आएगा यहां पर, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा पूरा। बस आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे, मैं अगले सोमवार मुंबई दिल्ली कहीं जाऊंगा, ऐसा करके। नोट नोट करने की बात ये है हमारी, अभी नोट मत करो, अभी नोट करने की बात यह है कि ये तो प्रीपोजिशन से जुड़ा, लेकिन ये डायरेक्ट जुड़ गया। आप कहोगे ये प्रीपोजिशन, ये तो एडजेक्टिव है, अगला पिछला ऐसे करके। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जो मंडे से पहले ऑन, समय से पहले एट, महीने से पहले इन यूज करते हुए हम आए हैं, अब उनको हटना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कब हटना पड़ेगा, क्या फॉर और सिंस को भी हटना पड़ेगा, बाय को भी हटना पड़ेगा, किस किस चीज को हटना पड़ेगा और किस किस चीज को लगा सकते हैं, शुरू करते हैं क्लास हम आपकी। तो ये रही वो चीज जो आपको सीखनी है। जैसे देखें बच्चों, ऑन कोमा इन कोमा एट, ऑन कोमा इन कोमा एट क्रमशः, दिन महीना घड़ी का समय के साथ
यूज होने वाली पीपी छोटे फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, प्रीपोजिशन है। सही है, पता आपको इनका यूज कैसे होता है, परंतु जब उन समय से पहले, जो लिखे हैं मैंने बोर्ड पे अभी सब समझा दूंगा, परंतु जब उन समय से पहले नेक्स्ट लास्ट दिस दैट ईच एवरी का यूज हो, ईच एवरी का यूज हो, इन सब का नेक्स्ट लास्ट दिस दैट ईच एवरी का यूज हो, तब ये प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। बस समझ लो आप, जीरो प्रीपोजिशन बन जाएगी ये। अब जब भी हम कोई नियम सीखते हैं, क्लास में सीखें या ऑनलाइन क्लास में सीखें या अपने पास से सीखें, तरीका है बिल्कुल ये, वो तब तक हमारे दिमाग में जगह नहीं बना पाता जब तक हम उसके एग्जाम्पल ना कर लें। तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये तो एक भाषा है आपके लिए, जिसे आपने नोट कर लिया, पढ़ लो, लेकिन ये नहीं आएगा पेपर में। पेपर में तो क्वेश्चंस आएंगे, तो इसे आप क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। एक बार मैं फिर बोल दूँ, ऑन इन एट दिन के महीने के घड़ी के समय के साथ यूज होने वाली प्रीपोजिशन है, सीख लिया आपने पीछे ये। जैसे देखो, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, और भी कई जगह यूज करवाई मैंने ये, इन जुलाई, इन 1990, इन द नेक्स्ट, मतलब इन द मंथ ऐसे करके, एट 2 PM, एट 3 AM, एट 4 o'clock, इस तरीके से थी ना ये, तो ये यूज होती है। लेकिन जब उन समय से पहले नेक्स्ट लास्ट दिस दैट ईच एवरी का यूज हो, तब ये प्रीपोजिशन यूज नहीं होंगी। अब एग्जाम्पल देखो, बहुत आती है पेपर में ये, बहुत ज्यादा, और पेपर में क्या आता क्या नहीं आता वो हम सोचेंगे। आप तो बस अपना सिलेबस तैयार करो, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ते रहो, और उन लोगों से बिल्कुल मत हारो। मैंने कल वीडियो बनाई थी ना उसके ऊपर, उन लोगों से बिल्कुल मत हारो जो लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं, किसी ऐप पर, यूट्यूब पर, गूगल पे, जगह जगह वो टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या जो भी उनके पास तरीके हैं, लाइब्रेरी वगैरह जो भी, वो सब का इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप दब सकते हो उसके नीचे, लेकिन दबने नहीं देंगे आपको। आप क्लासेस पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हम हैं आपके साथ में, हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, आप जरा संभल के देखना, बहुत सारे इसमें इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो बोर्ड पे देखो, इधर शी अराइव्ड हेयर और आ गया यहां संडे, फुल स्टॉप। एक बात और बताओ, मैंने जो प्रीपोजिशन आपको मना करी है, वो कौन कौन सी मना करी है, सोच समझ के बोलना। ऑन मना करा, इन मना करा, एट मना करा, क्या मैंने फ्रॉम को मना करा? ना, लग जाएगा, सबके साथ लगेगा, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाय को मना करा? ना, बाय भी लग जाएगा, अगले सप्ताह तक आएगा वो, तो से और तक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही फॉर और सिंस पे कोई असर नहीं पड़ता, ये चारों रहेंगी। दिस के आने से, डेट के आने से, नेक्स्ट के आने से, लास्ट के आने से, ईच के आने से, एवरी के आने से, सिंस पे, फॉर पे, बाई पे, फ्रॉम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वही बातें रहेंगी जो आप पहले से जानते। लेकिन ऑन, इन, एट, इनके ऊपर असर पड़ता, और इनमें भी सबसे ज्यादा बताऊं कि इसके ऊपर ऑन और इनके ऊपर, एट की तो बारी भी नहीं आएगी, लेकिन लिख दिया मैंने, क्योंकि तीनों का जोड़ा साथ में चलता है इनका। तो एक सेंटेंस ये हुआ हमारा, और एक ये है, जोड़ा बना के दिखाएंगे आपको, शी अराइव्ड हेयर और ब्लैंक लास्ट संडे, लेकिन आप इसे थोड़ी भूल जाओगे, जो तीसरा आएगा ये भी तो देख लो आप, शी अराइव्ड हेयर और ब्लैंक और संडे और लास्ट, ये हमारे बच्चों तीन रूप में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे देख लेना आप। फिर यहाँ देख लो, नेक्स्ट मंडे आई विल गो देयर, ठीक है,
या मंडे। आई विल, यहाँ सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय का कोई मैटर नहीं है, वो सबके साथ ऐसी ही लगती रहेंगी जैसे पहले लगती थी। जो फर्क पड़ेगा वो ऑन, इन और एट पे पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो मंडे कोमा आई विल गो देयर, फुल स्टॉप, या मंडे नेक्स्ट आई विल गो देयर, ही मेट मी इन लास्ट मंथ। सब समझा देंगे हम आपको, टेंशन ना लें आप, ठीक है? ऑन लास्ट फ्राइडे, बिल्कुल एक नंबर फ्री का है आपके लिए, बस बोर्ड पर नजर रखो आप। ऑन लास्ट फ्राइडे शी लेफ्ट फॉर शिमला, ठीक बच्चों? तो जब तक हमारी ये क्लास पूरी नहीं होती, बीच की क्लास में जैसे इस टाइम, ये मत समझा करो कि क्लास बिखर गई है, क्या क्या चल रहा। टाइम बीतता जाएगा और 10 मिनट बाद एक एक चीज आपकी समझ में आ जाएगी। मैं हूं ना यहां पर, मैं कहीं गया नहीं हूं, अभी शुरू कर रहा हूं, देख लो आप बच्चों। शी अराइव्ड हेयर, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास में, ऑन या जीरो प्री पोजिशन, बाई वगैरह कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है? उन्हें छोड़ो आप, ऐसे मिलेंगे आपको ये। तो शी अराइव्ड हेयर, चलो ऑप्शन देता हूं मैं, इन एट ऑन और जीरो पीपी। जीरो पीपी मतलब कोई प्री पोजिशन नहीं, बताओ क्या आएगा पहले में? तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर इसका? ऑन, क्योंकि यहां तो सिंपल दिन का नाम है ना, तो पुराना वाला नियम लग गया यहां तो। वह यहां संडे को, वह यहां संडे को आया, संडे में आया, ये आ जाएगा दिन के लिए, पुराना नियम है, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, शी अराइव्ड हेयर, यही ऑप्शन है फिर से, शी अराइव्ड हेयर लास्ट संडे। बच्चों लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट, ईच, एवरी के आने पे कोई प्री पोजिशन नहीं आती। इसका आंसर रहेगा जीरो प्री पोजिशन या नो प्री पोजिशन, लगी भी होती तो काटनी पड़ती, ये है इसका नियम। हिंदी सुन लेंगे, वह पिछले रविवार को बोल दो लेकिन लिखना मत, वह पिछले रविवार को यहाँ आया, नो एरर, कुछ मत लगाना। शी अराइव्ड हियर, फिर से यही ऑप्शन है। अब यहाँ देखो संडे लास्ट, ये जो संडे है इसके पहले कुछ दिया हुआ है क्या? बाद में है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन आएगा। तो ये भी एक नियम है, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट, ईच और एवरी अगर समय से पहले होंगे तो प्री पोजिशन जीरो बन जाएगी, और बाद में है और बाद में दो मिलेंगे, दिस दैट नहीं मिलेंगे आपको, दिस दैट ईच एवरी मुश्किल से मिलेंगे बाद में आपको, पहले ही मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट लास्ट यहाँ भी मिल सकता है, शुरू में, बाद में भी। तो बाद में मिले तो आप अपने नियम प्रीपोजिशन वाले लगाएं और प्रीपोजिशन दें उसे, जैसे मैंने दी है। ये मीनिंग दोनों का सेम होता, बस प्रीपोजिशन लगाने के लिए बाद में कर दिया, मीनिंग सेम है। हिंदी सुनो, वह यहाँ संडे को आया, वह यहाँ पिछले संडे को आया, वह यहाँ पिछले संडे को आया। इसमें और इसमें फर्क जान लो आप, इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थान चेंज होने की वजह से सेंटेंस आपको चेंज लग रहा है, प्रीपोजिशन आ गए, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। नोट करो इसे जल्दी से, फिर बच्चों यहाँ आते हैं। तो ठीक है, इसके लिए भी जो है हमने यही वाला ऑप्शन दे दी जो ऊपर रखे में, इन, एट, ऑन, जीरो प्रीपोजिशन। तो बच्चों नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट है मंडे तो नहीं है ना, कोई प्री पोजिशन नहीं आएगी, लगा मत देना, नोट करो इसे। नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को मैं वहां जाऊंगा, कोई गलती नहीं है इसमें। और यहां कहो मुझसे तो भैया इसमें से आएगा ऑन, दिन है ना, ये दिन के साथ ऑन आता। अच्छा आप सोच रहे हो सर बाई होता, मत सोचो, आंसर एक ही मिलेगा आपको पेपर में, बाई क्यों होगा इसमें, फिर तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा मंडे तक जाऊंगा वहां, वो भी सही है, लेकिन एक ही मिलेगा आंसर, नोट करो इसे, ऑन मंडे। और बच्चों ये मंडे आ गया, नेक्स्ट बार में फिर से आएगा ऑन हमारा, हिंदी वही है इसकी और इसकी सेम, ये अलग है, हिंदी सुन लो।
अगले सोमवार को मैं वहां जाऊंगा, ये हो गया सोमवार को मैं वहां जाऊंगा, फिर ये वही हो गया अगले सोमवार को मैं वहां जाऊंगा, बस प्री पोर्शन दे दी इसे, क्योंकि वो आगे पहुंच गया तो ये आगे पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ईच एवरी भी लाऊंगा अभी। अब यहाँ आते हैं, सब्जेक्ट है हमारा ही, सेकेंड फॉर्म है ये, बढ़िया चीज़ है। सेकेंड फॉर्म है मैट की, मीट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। तो ही मैट मी, वह मुझसे मिला इन लास्ट मंथ, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इन एट ऑन महीनों के दिन के साथ नहीं आते, इनके साथ नोट करो इसे जल्दी से, हिंदी सुन लेंगे इसकी। वह मुझसे पिछले महीने मिला, बस ऐसे बोल दो पिछले महीना, इन मत लगाना। ऑन लास्ट फ्राइडे, जब फ्राइडे से पहले लास्ट है, ये गलत है, एरर है, एक नंबर की है, काट दो। तो एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या नो इम्प्रूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट आप देख लें। नेक्स्ट लास्ट के साथ क्या हुआ, ईच और एवरी भी लाऊंगा अभी। तो पिछले शुक्रवार को वह शिमला के लिए रवाना हो गई, ये बन जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा महीने का नाम लाते हैं यहाँ पे, अब जरा ईच एवरी भी लाएंगे, सब आ जाएगा। एग्जाम्पल और देखो फिर से, आप बहुत कूल होकर पढ़ो आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है। ये जीरो पी पोजिशन पता कितने दिन चलेगी, 2 दिन। ये आज चल रही है हमारी, आज चल रही है, जो प्री पोजिशन दी गई थी उन्हें हटाने के लिए। कल को आएगी कि वो आपने पढ़ी नहीं होंगी कभी, वो कुछ मेन वर्ब हैं जो जबरदस्ती प्री पोजिशन देगा उसे, उन्हें जरूरत नहीं होती प्री पोजिशन की, नहीं बिल्कुल, तो वो कल पढ़ाएंगा आपको। आज से पढ़ो, जल्दबाजी में ना क्लास बिगड़ जाती, आराम से समझते चलो आप। तो ये हमारे 7-8 क्वेश्चन हैं, इन्हें देखो आप सही से। तो वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग इन नेक्स्ट वीक, ठीक है, व्हाट विल यू डू इन नेक्स्ट मॉर्निंग, दिस संडे आई एम गोइंग टू मीट माई वाइफ, ठीक है, एरर भी देखते चलो, सब कुछ देखते चलो। ही कम्स हियर एवरी जुलाई, ही केम हियर एवरी मंथ, शी वेंट टू मीट हर मदर एवरी संडे। ऑन एवरी मॉर्निंग, इवनिंग कर लो, ऊपर हो गया मॉर्निंग, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। ऑन ऑन एवरी इवनिंग ही प्रिपेयर्स कॉफी। अभी ये नियम जो है कहीं और भी जाएगा, पहले देखते रहो वापिस से। या ऑन दैट संडे, उस संडे को आई सा हिम स्मोकिंग, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल, आप इसे कॉम्प्लिकेटेड खुद बना सकते हो, ये तो खुद अपने आप में बहुत आसान है, खुद ही कह रहा है मैं बहुत आसान हूँ, क्या है इसके अंदर। ऑन इन, इन दोनों को पकड़ो, एट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है,
ऑन और इन ज़्यादातर यही का यूज़ ख़त्म कर देना, काट देना जब आपको लगे समय से पहले, नेक्स्ट लास्ट, पहले समय से पहले, नेक्स्ट लास्ट दिस दैट ईच और एवरी, ईच तो होता नहीं, एवरी बहुत मिलता, तो बस इन्हें काट देना। आप शुरू करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लस सप्ताह, अगर सप्ताह होता अकेला तो इन आता, लेकिन काट देंगे। तुम अगले सप्ताह में, ये मत बोलो अगले सप्ताह क्या कर रहे हो, अगले सप्ताह क्या करोगे, अगले सप्ताह क्या कर रहे हो बोल सकते हैं, तो ये हमारा इन गलत है, नोट कर लेंगे नेक्स्ट की वजह से। वाट विल यू डू इन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ में इन आता था लेकिन काट दो, अब नहीं आएगा, ख़त्म हो गया। अब आप कहोगे सर आपने तो दिन और महीने, मॉर्निंग इवनिंग सबके साथ, डॉन क्यों ना हो उसके साथ भी, ख़त्म हो जाएगा एट, तीनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, एट भी, इन भी और ऑन भी, जब नेक्स्ट लास्ट ईच एवरी दिस और देट आते हैं समय से पहले। तो वाट विल यू डू नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तुम क्या करोगे, ऑन दिस संडे, या तो गया, इस रविवार को मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, ऑन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर चार है, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको इसके, ऑन इन एट और जीरो या नो प्री पोजिशन, तो बताइए ही कम्स हेयर, मान लो अगर ये होता तो इन आता, इन जुलाई, वो जुलाई में आता, लेकिन अगर आप अब लगाओगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि एवरी आ गया। भले ही आपका दिल कर रहा हो कि सर मैं हिंदी ऐसे बोलना चाहता हूँ, वह यहाँ प्रति जुलाई में आता है, बोल दो लेकिन लिख मत देना, एक्चुअल में यह है वो हर जुलाई को आता है यहाँ पर, बोलने की जरूरत नहीं है मैं वगैरह, नोट कर लेंगे इसे। ही कैम हेयर इन एवरी मंथ, गलत है, एवरी मंथ, या तो गया, एवरी एवरी दिस नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ख़त्म कर दो उसे आप, तो वह यहाँ प्रति माह आता था, शी वेंट टू मीट हर मदर, इसे देखोगे तो ऑन, लेकिन इसे देखो कुछ नहीं आएगा, वह अपनी माँ से मिलने जाती थी हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को, ऑन एवरी इवनिंग, कुछ नहीं आएगा, अगर आप सोच रहे हो इवनिंग के लिए इन, लेकिन ये आ गया ना, कुछ नहीं आएगा, एवरी इवनिंग हर शाम वह कॉफ़ी बनाता है, ऑन दैट डे, ये दैट आ तो गया, काटो इसे आप, जैसे दिस के साथ में ऐसे इसके साथ में गलत, लेकिन क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्या ऐसी कोई कंडीशन है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ये वाला, क्या सर ऐसी कोई कंडीशन है कि कभी आ जाए, बताएंगे आपको, अभी अभी नहीं आएगा, वो देखो क्लास खत्म करने से 5 मिनट पहले समझाऊंगा कि कब आएगा, आ जाएगा कभी कभी, वो बता दूंगा, 2-3 केस है बस, वो तो ज़रा ये 5 एग्जाम्पल के आंसर दो आप, ये आपकी प्रैक्टिस है, फिर इसे रोकेंगे आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है बच्चों, ऐसे ही चलता रहता क्लास का मामला, ठीक। एग्जाम्पल है अब हमारे पास में, ये आपके लिए एक्सरसाइज है मेरी तरफ से, ये आपके लिए है, आपको करना है, मैं तो बस आंसर बोल दूंगा इसके।
कुछ भी हो इनमें से, ऑप्शन दूंगा मैं आपको। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ ठीक है, इनके लिए जब जरूरत पड़े आपको। तो देखो ऑप्शन है इसमें ऑन, इन, एट और नो पीपी, जो रेगिस्तान वाले हैं, बाकी में एरर ढूंढ लो आप। तो फिर ये है शी डिसाइडेड टू मीट हर, शी डिसाइडेड टू मीर हर फा टू मीट हर फादर और ब्लैंक थर्सडे लास्ट, ये भी सही है, ये भी कर सकते हो आप, ये अच्छा लग रहा, फैसला कराना तो ये अच्छा लग रहा, अगले अगले थर्सडे को मिलने का फैसला करा उसने। या शी विल नॉट गो टू आगरा नेक्स्ट थर्सडे, बस ये पांच ऑप्शन और कर लो आप, फिर हम इस नियम को पलट देंगे। पलट देंगे मीन दो तीन कंडीशन हैं जब प्रीपोजिशन आएगी, और जरूर आएगी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिखाऊंगा आपको अभी, लेकिन अभी यही पढ़ो आप, देखो जरा बोर्ड पे। तो बच्चों इनमें से यहाँ क्या आएगा, नो प्री, गलत, ये गलत नहीं है, इसका मतलब है कुछ नहीं आएगा। एवरी फ्राइडे, इसे गलत मत समझना, मतलब ये है कुछ नहीं आएगी प्रीपोजिशन, ये सही है। एवरी फ्राइडे, प्रति प्रत्येक शुक्रवार को मैं नमाज ऑफर करता हूँ, यानी कि नमाज पढ़ता हूँ। फिर दूसरे बात है ऑन लास्ट मंडे, बस ऐसी है, लास्ट मंडे शी वेंट टू टेम्पल, पिछले सोमवार को वह मंदिर गई। विल यू गिव मी माई मनी बैक, क्या तुम मेरे पैसे वापस दोगे, दिस संडे, दिस मंथ, दिस वीक, कुछ नहीं आएगा। शी डिसाइडेड टू मीट हर फादर ऑन, क्योंकि ये पहले वो बाद में लग जा रहा है यहाँ पे, ऑन थर्सडे नेक्स्ट, शी विल नॉट गो टू आगरा नेक्स्ट थर्सडे, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई हमारी, सारी खत्म हो गई बातें। फिर किस कंडीशन में जो है हमारा ऑन, इन, एट इन शब्दों के साथ आ सकता है, तो समझ लो आप उसे भी। ये बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, नेक्स्ट लास्ट दिस दैट ईच और एवरी, जब ये किसी महीने से पहले, किसी सुबह शाम दोपहर से पहले, किसी दिन से पहले, सप्ताह से पहले मिल जाए पहले, तो ख़त्म कर देना प्रीपोजिशन, इन भी ख़त्म, ऑन भी ख़त्म, एट भी ख़त्म। सिंस फोर से कोई मतलब नहीं है, वो लगती रहेंगी, इनके आने से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मीनिंग थोड़ा अलग होता है, वो होता लंबे समय से, पिछले 50 सालों से लगेगा, वो तो सिखा भी चुका हूँ मैं आपको, लास्ट के साथ में फोर और सिंस, तो उसे बिल्कुल यहाँ पे शामिल मत करना, वो आएगा। बाई और फ्रॉम भी आएंगे, तो खतरा जो है वो तीन के ऊपर है, इन, ऑन, एट, इसे ज़रूर चेक करना पड़ेगा, आपको पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये, तो इसे काट देंगे आप, और बाद में है तो लगा देंगे, सब सिखा दिया मैंने। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसे देखो आप, ये उसमें आया हुआ पेपर में, एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नहीं है। हिज बर्थडे इज ब्लैंक नेक्स्ट संडे, ये तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अब मैं और बनाता हूं इसके साथ में। हिज मैरिज एनिवर्सरी, इन पर ध्यान देना जरा, बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं ये, हिज एनिवर्सरी वाज लास्ट मंथ या लास्ट वीक या लास्ट मंडे, कुछ भी हो इनमें से, एक एग्जाम्पल और दे लो, समझ जाओगे आप, इनको नोट कर लेना अलग से, समझा दूंगा मैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, वो अलग है, ये थोड़ा अलग है, समझा दूंगा, देख लो। तर इज योर बर्थडे, इज योर बर्थडे और ब्लैंक नेक्स्ट फ्राइडे, देखो बच्चों
जब किसी दिन को, जब किसी दिन को ये बताना हो कि ये दिन जो आने वाला है अगला या पिछला, दो के लिए है, दिस भी होगा, देट भी, ईच एवरी, सबके लिए है ये, ध्यान से सुनना। और ऐसे माहौल है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, जवाब है उसका। अब सुनो, मेरा बर्थडे इस दिन को है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी इस दिन को है, मेरे भाई का बर्थडे इस दिन को है, मेरी जॉब की जो एनिवर्सरी है 1 साल पूरा होने की, वो इस दिन को है। बस ये सवाल जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तीन या इस जैसे और सवाल, मेरा बर्थडे उस दिन है, उसका बर्थडे उस महीने में है, इनमें इन ऑन एट वापस आ जाती है। बताऊंगा क्यों आती, देख लो, अभी अभी समझा रहा हूँ, रटना नहीं है। हिज बर्थडे इज नेक्स्ट संडे, जरा इसकी हिंदी सुनो, उसका बर्थडे अगले सोमवार है, अगले रविवार है, ये मीनिंग चल नहीं पाएगा। ये कहना पड़ेगा आपको कि उसका बर्थडे जो है वो अगले सोमवार को है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो ऐसा इसलिए करना पड़ रहा बच्चों, अगर आप ऐसे लिखोगे तो पता क्या मतलब इसका, इसका मीनिंग सुनो, इसका मतलब ये है जो उसका बर्थडे है वो अगला संडे है, मतलब ये जो संडे है ना, ये बर्थडे है इसका, ये बन जाएगा। क्या संडे किसी का बर्थडे हो सकता? जैसे देखो इधर, इधर देखो, ही इज माई ब्रदर, ध्यान से देखो जरा बोर्ड पे, ये सही है, यहाँ ऑन नहीं आएगा, क्यों? वह मेरा भाई है, तो ये इसका है। ऐसे में पूछ रहा हूँ क्या संडे इसका है क्या बर्थडे का? ना, ये मीनिंग बन जाता है इसका, संडे मेरा बर्थडे, मेरा संडे है, और मतलब जो है अगला महीने मेरा जो है एनिवर्सरी है। ये जो हम बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं उस दिन को, उस महीने में हमारी एनिवर्सरी है, उस महीने को हमारा बर्थडे है, तो यहाँ मीनिंग प्रीपोजिशन का जरूर चाहिए होता, वहाँ ज़रूरत नहीं है पिछले वालों में, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर हमें। तो ध्यान रखें इसका मीनिंग ये बन जाएगा। ऐसा क्यों होता? क्योंकि ये जो इज एम आर वाज वर होते हैं ना बच्चों, ये इसका इससे संबंध जोड़ते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, जैसे ऐसे करके आई एम, तो पता क्या है, मैं एक इंजीनियर हूँ, ये इसके लिए आता, ये है ये व्यक्ति। तो वो ऐसा थोड़ी है कि अगला जो रविवार है वो उसका बर्थडे है, नहीं, अगले रविवार को उसका बर्थडे है। ऑन लगाना पड़ेगा आपको, पेपर में आया हुआ है, पेपर में ये आया था, देख लो, इन ऑन एट और नो प्रीपोजिशन लिखा हुआ था, ये आंसर लगाया बच्चों ने खूब पिछले नियम के हिसाब से। लेकिन हम बता रहे हैं ना आपको, अगला संडे उसका बर्थडे नहीं है, अगले संडे को, अगले या पिछले सोमवार को, अगले महीने में, अगले सप्ताह में और अगले सोमवार को। तो जब किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन जैसा कुछ है, तो उस दिन को है वो, अगर आपने ऑन इन नहीं लगाया तो वो उसका हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना, दो क्वेश्चन बोर्ड पे दे रहा हूँ, फिर मैं इसे बंद कर दूंगा, आप बताइए इसमें क्या आएगा, इसका ध्यान रखना, पेपर में आया वो क्वेश्चन है, ये पिछली बातों से हटके है, क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वरना सोच के देखना आप सही से। माई ब्रोदर्स बर्थडे, माई ब्रोदर्स बर्थडे इज नेक्स्ट मंडे। अभी देखो कितना मजा आएगा इसमें, एक सेंटेंस, दूसरा ये है नेक्स्ट संडे इज माई बर्थडे, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, अब ये अलग मीनिंग हो गया। तीसरा ये है आई विल सेलिब्रेट, ये अलग चीज है, सबका देखना जरूरी है ना, तो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, ये अलग बात है, नेक्स्ट संडे। तो बच्चों ये तो ऊपर की तरह है नहीं हमारा, कि मेरा बर्थडे है, उसका बर्थडे है, ऐसा कुछ होता, ये सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं आया इसमें, ये पुराना वाला हो गया। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा अगले संडे, ऐसी सही है बस, अगले संडे सेलिब्रेट करूंगा, बढ़िया। तो जब मेन वर्ब होगी तो ये तो आना ही नहीं है बिल्कुल हमारा। लेकिन यहाँ आओ आप, माई ब्रोदर्स बर्थडे इज, मुझे बताओ, मेरे भाई का बर्थडे अगले संडे है, मीनिंग सही है, लेकिन मीनिंग का मतलब ये हो गया कि इसका जो बर्थडे है वो मंडे है, ये हो गया, गलत है, ऑन आएगा। अब यहाँ आओ आप, ये अलग चीज़ है,
नेक्स्ट संडे इज माई बर्थडे, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। सबको नोट कर लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तीन कॉन्सेप्ट मेरे सामने हैं, तीनों सुन लो आप। दिन के साथ ऑन, महीने के साथ इन, सप्ताह के साथ इन, और साल के साथ इन आता लास्ट ईयर ऐसे करके, ठीक है। और एट आता डॉन वगैरह डस्क के साथ में। लेकिन जब इन सभी शब्दों के साथ नेक्स्ट लास्ट दिस दैट एवरी और ईच दिया हो तो हमारी ये तीनों प्रीपोजिशन लापता हो जाती हैं, सिवाय एक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके। और वो ये है कि किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी अगले महीने में है, अगले सोमवार को है, तो प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी। लेकिन जब वो समय शुरू में आ जाए और ये हो कि अगले संडे उसका बर्थडे है, अगले महीने उसका बर्थडे, शुरू में ही आ जा, तो ये यहाँ भी खत्म हो जाता, कुछ नहीं आएगा। वहाँ आ सकता बस, ठीक है, जोड़ने के लिए। प्रीपोजिशन जोड़ती है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ पहले से ही शुरू में। और ये जो है हमारा पुराना वाला सेंटेंस हो गया। बच्चों ये जो आपको मैंने आज प्रीपोजिशन सिखाई, जो बोर्ड पे मैंने सारी बातें बताई आपको, ये भले ही आपको लग रहा हो कि कंफ्यूज करने वाली हैं या परेशान करने वाली हैं, लेकिन मेरे ये पांच क्वेश्चन सोल्व करते ही जो मैं दूंगा आपको, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि जब एक चीज़ की तीन तीन चार चार तरीके से यूज़ की जाती है तो परेशानी होती है, और उस परेशानी से निकलने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस। वीडियो कितनी लंबी जा रही, नो मैटर। मामला ये है कि आप समझ रहे हो या नहीं, पेपर में कर पाओगे या नहीं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है सर पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, ये पांच क्वेश्चन देख लो, इन पांच क्वेश्चन के आंसर दोगे आप। ये आपका टेस्ट है, एक इसका आंसर देना मुझे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर दोगे कि सर लास्ट वाली एक्सरसाइज में मेरे इतने आंसर हैं। कल आपका टेस्ट होना यहाँ तक का, तो कल तैयार रहना, टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता कि पढ़ाई का तरीका क्या होता। तीन स्टेप से गुजरना पड़ता, पहले लर्निंग सही से सीखो, बताया था मैंने, दूसरा रिवीजन, जितनी बार देख सकते हो वीडियो को देखते रहो, आपके पास है जितने नोट्स बनाने बना लो, तीसरी चीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तब जाके सफलता मिलती, बाकी सब बिखर जाते हैं, नहीं मिलती सफलता बच्चों को। ये मेरे पांच एग्जाम्पल, और आपके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, मैं यही बता दूंगा आपको आंसर कितने सही है कितने गलत है। यहाँ पे ना मैरिज भी कर देना, जरा सही लगता, पता चलना चाहिए किस कौन सी में किस चीज़ की एनिवर्सरी है। हिज मैरिज एनिवर्सरी, एक सेंटेंस, और ही विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे, और ही विल मीट हर फ्राइडे नेक्स्ट यू शुड गो टू टेम्पल, यू शुड गो टू टेम्पल ऑन एवरी मंडे। ऑप्शन जहाँ चाहिए आपको वहाँ के लिए है नो पीपी, मतलब कुछ नहीं, नो प्रीपोजिशन, जीरो प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं इसे, ऑन इन और एट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो आप पकड़ लो बिल्कुल, किसी की एनिवर्सरी, किसी की शादी, या किसी की कुछ भी शादी भी हो सकती है, उसकी शादी है तो ये लगाएंगे हम क्या यहाँ पर ऑन, ये तो आएगा, वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा ना उसका। तो उसकी शादी की सालगिरह अगले शुक्रवार को है, देना पड़ेगा ऑन। और ही विल मीट यू, कुछ नहीं आएगा, ये पुराना वाला आ गया, वह अगले शुक्रवार को तुमसे मिलेगा। और ही विल मीट हर, वह उस लड़की से मिलेगा अगले, यहाँ ऑन लगा देंगे क्योंकि वो बाद में पहुंच गया, ये पहला आ गया। यू शुड गो टू टेम्पल ऑन एवरी, एवरी के साथ नहीं आएगा। और दिस मंथ है तो कुछ नहीं आएगा, और अगर ये होता मंथ खाली तो आता इन हमारे लिए। नोट कर लेंगे इसे सबको, कल जो क्लास रहेगी हमारी
वो इस तरीके से शुरू होगी, 6:30 बजे 7 बजे आपका टेस्ट ले लेंगे, 7:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, क्लास नंबर 21। उसमें जो टेस्ट होगा आपका उसका सॉल्यूशन होगा, 25 या 20 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में फिर जीरो प्रीपोजिशन। कुछ ऐसी मेन वर्ब हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेती नहीं है, एग्जामिनर अक्सर उनके साथ प्रीपोजिशन डाल देता है, उसे काटना हमें, वो कल देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपसे फिर मैं वही कहूंगा कि अगर आपको लगता है ज़रूरत है किसी को तो शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें, बाकी बात आपसे कल होंगी। ऑल द बेस्ट।